मेरे डार्क सर्कल थोड़े थोड़े लग रहे होंगे, स्किन पे एक बहुत अच्छा ग्लो नजर आता है। देखो ना, गमछी तो ऐसे बांधा कि कितना बड़ा आदमी, ऐसे एक्सक्यूज देते हैं जैसे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अब सारे फ्रेंड बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। सो देखो, मैं एकदम ब्लैंकेट में घुस के बैठी हुई हूँ, ऐसा लग रहा है कितनी ठंड पड़ गई है, बट एक्चुअली ना दो दिनों से यहाँ पे इतनी ज़्यादा, मतलब ठंड तो नहीं बोलूँगी बट बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर सा है एंड बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा है। सबकी एक अपनी टेंडेंसी होती है, देखो जब रेनी सीजन होता है ना, ये क्लाउडी वेदर रहता है ना, मैं बिल्कुल फुस हो जाती हूँ ऐसे, और जब धूप निकलती है ना तो मैं जादू की तरह बिल्कुल जो जाती, पता नहीं मेरा अलग ही फंडा यार, मुझे धूप के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एनर्जेटिक। हाँ, और बारिश की वजह से एक्चुअली हल्की हल्की ठंड भी हो रही है। एक्चुअली अगर आपने न्यूज़ देखा होगा ना, तो कोई एक क्या बोला, तूफान है जो चेन्नई के साइड से आ रहा है, तो चेन्नई में कंडीशन बहुत बहुत ख़राब है, आज मैंने न्यूज़ में देखा। सो होप सो एंड भगवान करे कि सब कुछ जल्दी से सही हो जाए, किसी को भी कुछ हो ना, तो बस यही है इसकी वजह से। एंड हाँ, वेस्ट बंगाल में भी अलर्ट जारी हुआ है कि कुछ ऐसा होने के चांसेस है, बट एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आई एम सुपर सुपर हैप्पी, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले बोला था कि अभी लॉन्ग ब्लॉग बहुत कमाएंगे बहुत कमाएंगे, बट जो फ़ोन था ना, जो मेरा ख़राब हो चुका था फ़ोन, वो बन चुका है, जो मेरे भाई ने मुझे दिया था, ये देखो ये वो फ़ोन है। सो ये बन गया इसका डिस्प्ले फाइनली। एक्चुअली देखो क्या होता ना, फ़ोन बन के तो आ गया, कल मैंने सब कुछ सेट वेट भी कर लिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की आपको आदत हो जाती है। जैसे मेरा जो मेरा फ़ोन गया ना वीवो ऑफ 21, तो उसका कैमरे की वजह से मैंने उसका लिया था, उसका फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा था, तो जब वो चला गया ना, तो काफ़ी टाइम तक मुझे ऐसा लगता था कि हाय रे, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी जिस फ़ोन से मैं अभी शूट कर रही हूँ, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वो इसका, हालांकि कैमरा बहुत अच्छा है जिससे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ अभी। एंड इस फ़ोन की आई डोंट नो, मुझे उतना कैमरा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, बट अब एनी हाउ मुझे इसी से शूट करना है, क्योंकि इस फ़ोन की कंडीशन बिल्कुल खराब हो चुकी है जिससे मैं ब्लॉग शूट करी। कंडीशन इन अ सेंस कि उसमें स्टोरेज और स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, एसडी कार्ड उसमें है बट एसडी कार्ड में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसमें एसडी कार्ड की जगह नहीं है, सिर्फ 128 GB है, बहुत कम है। अब मैं यूट्यूब का काम कर रही हूँ ना, तो मुझे लगता है ये बहुत कम है, बट हाँ अब मैं ऐसा करूँगी कि 1 वीक का वीडियो शूट करूँगी, शूट करके एडिट वेडिट करके जब अपलोड कर लूँगी तब नेक्स्ट जो है वीडियो शूट करूँगी। पहले मैं क्या करती थी ना कि मेरे पास एक एक महीना का बैकअप रहता था कि इन अगर किसी केस में मैं कहीं चली गई तो मेरे पास एक बैकअप हो, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें 128 GB और इसमें एसडी कार्ड भी मैं नहीं लगा सकती हूँ। होप सो कि मेरी मेहनत जल्दी जल्दी रंग लाए और 2024 में मैं अपने आईफोन से शूट करूँ, तो सपोर्ट करिएगा। अगर चलो बहुत बातें हो गई है, अभी कंबल से बाहर निकल के कुछ काम किया जाए। सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ। फोल्ड कर लेती हूँ, आज मुझे एक वीडियो शूट करना है। ठंड में आप अपनी पुरानी साड़ी को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इतनी भन्नाटेदार साड़ी है ना मेरे पास में, मतलब इतनी जरी सितारे मोती और भी बहुत ही चीप क्वालिटी की जरी उसमें लगी हुई है, बट स्टिल मेरे पास बहुत इंस्टा पे ऐसे रिक्वेस्ट आती है कि हमारे पास इस तरह की साड़ी है रीयूज़ करना बताओ, तो मेरे दिमाग में समथिंग कुछ है तो उसी को लेके मैं शूट करूँगी। चलो यार, चार को धूप लगने दिया था बट आज तो थोड़ा सा भी धूप नहीं था, दो दिनों से दिन नहीं है, तो जब निकलेगा तब इसको रख दूंगी, अभी फ़िलहाल लेके चलती हूँ। और मेरे पास ना एक बहुत बड़ा सा कांच की भरनी नहीं है क्योंकि रखने की जगह नहीं है, तो रीसू अरु इतना ज़्यादा आजकल आर्टिस्टिक हो गया है कि हर एक चीज़ में उनको रंग भरने का मन करता है, तो देखो रिमोट को भी कलरफुल बना दिया उन्होंने। ये लड़का को इतना गर्मी लग रहा है सर्दी में कि ये चड्डी पहन के स्कूल से आया है, इसको कपड़ा भी नहीं डाला जा रहा है ना, अकेला खाने मना कि आएगा कितना बार बोले नौ आठ आएगा, और केला खाने मना किया तो तुमको खांसी हुआ है, हाँ भूल गए तो यहाँ पे ऐसे क्लास कर रहे। और देखो आज एग्जाम देके आया है लैंग्वेज का, और क्या बोला कितना मार्क्स आएगा, 20 out of 8-9 आ जाएगा। छी 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 रिशु, सेम 8-9 क्यों आएगा, तुम प्रिपेयर करके नहीं किया था तो फिर इतना कम क्यों? अरे लेटर हार्ड होता है, लेटर कुछ हार्ड नहीं होता है, आज का लेटर है 40 मिनट का टाइम है, आधा हम लोग क्वेश्चन पेपर नहीं मिला उसमें से हम लोग आधा घंटा बचा हुआ, और लेटर समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा, फॉर्मेट से भी याद कर लेता उसके बाद तो कुछ भी लिख सकता था खुद से। हाँ, टॉप कुछ भी हो गया। आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों के, क्योंकि बच्चे भी ऐसे एक्सक्यूज देते हैं जैसा मेरा बेटा दे रहा है। Thank you.
अलमारी को खोल के ये कपड़े निकाल रहा है। इतने सारे कपड़े होते हुए भी इसको संतोष नहीं है बिल्कुल। आ लड़का देखो ना, गमछी तो ऐसे बांधा कि कितना बड़ा आदमी है। और फाइनली ये मशीन बन चुकी है। उस दिन बोला था ना आप लोगों को, चलते चलते मशीन ख़राब हो गई थी, तो इसको चला के देखूंगी कि ये मशीन ना विंटर में मेरे हाथ पैर है बहुत जल्दी से काम होता है। और इधर है कैरेट, गोभी और ये बीट रूट ख़त्म हो गया था तो सुबह पवन लेके आए हैं। डॉक्टर ने ना मुझे खरगोश ही बना दिया है, B3 की कमी की वजह से डेली मुझे गाजर खाने को बोला है। कुछ भी नहीं करा पता है आज, मुझे पता नहीं क्यों इतना आला सारा खाना वाना बना के मैंने कुछ निकाला भी नहीं, सब कुछ इसी तरह पड़ा हुआ है। तो मुझे ना आजकल पता नहीं क्या हो गया, चावल खाने का मन ही नहीं हो रहा, तो ये रात की रोटियां हैं। आई नो नहीं खाना चाहिए बट मुझे अच्छा लगता है इस तरह से घी में सेक के और रोटी बची हुई रहती है तो सब्जी के साथ खाना। तो बस ये देखो, दो रोटी मैं सेकूंगी और खाऊंगी। इधर गोभी की सीख और ये फ्लैट बीन्स जिसको सीम भी बोलते हैं और ये थोड़ा सा बादाम की चटनी। मुझे फटाक से फेस वॉश करना रहता है तो देखो मैं फेस वॉश भी यूज करती हूँ बट बहुत रेयर। मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट से। बहुत लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आप किचन में काम करते करते भी आपको अगर एक हैबिट बिल्ट हो जाती है ना, तो आप रात को भी एक डब्बे में डाल के सारी चीज़ें रख सकते हो एंड सुबह जिससे आपको मिक्स करना है जो भी वाटर से उसको मिक्स करके लगा सकते हो, तो आपको एक हैबिट बिल्ट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेसन क्योंकि अभी मुझे वीडियो बहुत सारी बनानी है अपनी फैशन चैनल के लिए, तो फटाफट मैं करूँगी। फिर दूध, क्योंकि मेरी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो अगर आपकी आपको दूध नहीं सूट करता है, तो हर एक स्किन को दूध मिल्क जो है रॉ मिल्क सूट करता है, बट अगर आपको नहीं सूट करता है तो आप कर्ड भी ले सकते हो। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और फेस वॉश की तरह आपने यूज़ करना है। अच्छे से नोज एरिया के पास में ब्लैक हेड्स होते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे से रगड़ना है। फॉरहेड पर जहाँ जहाँ पर टैनिंग ज़्यादा होती है, अंडर आई पर बहुत ही माइल्ड वे में ऐसे। ये मुझे टाइम नहीं मिलता ना तो मैं इसी तरह करती हूँ, हनी ले लेती हूँ, आटा ले लेती हूँ। आटा बहुत लोग बोलते हैं आटा, आप गूगल करना कि आटा में जो है ना कितना स्किन बेनिफिट है। तो आप जब तक पढ़ोगे नहीं ना, आप लोग जानोगे नहीं। अभी फेस वॉश स्क्रब आया, लेकिन जब एंशिएंट टाइम ये सारी चीजें नहीं थी तो हम क्या करते थे, हम अपनी किचन से चीजों को उठाते थे। स्किन इंस्टेंटली क्लियर हो जाती है, इंस्टेंटली जिसको बोला जाता है, एकदम आपकी स्किन बहुत अच्छी। देखो कोई फिल्टर नहीं है, आपके नीचे आपको मेरे डार्क सर्कल थोड़े थोड़े लग रहे होंगे, ये जो नेचुरल है वो छिपेंगे नहीं, मतलब अभी अभी मेरी जो है ब्लड की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, बट स्किन देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लोगों से शेयर की थी ना कि मुझे एक वीडियो फिल्म करना है, ये देखो इस तरह की साड़ी है, ये बहुत ही आउटडेटेड साड़ी है एंड इंस्टा पे मुझे इस ऐसे ऐसे साड़ियों की ना बहुत रिक्वेस्ट आती है, ऐसे ऐसी साड़ियाँ हैं हम इसको स्टाइल करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियों को लेकर कुछ बनाती हूँ। तो पहले अभी मैं फैशन कॉन्टेंट का एक वीडियो एडिट करके अपलोड करती हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैं लग जाऊंगी ना शूट करने तो जो शॉर्ट वीडियो है वो नहीं जा पाएगी। हमेशा मैं एक टाइम सेट करके रख दूँगी जिससे वीडियो अपने आप पब्लिश हो जाती है, बट कल मुझे टाइम नहीं मिला था। तो बहुत सारे DIY करने थे, मतलब 5 से 6, क्योंकि मैंने बोला कि अब बहुत ज़्यादा मैं लोड करके नहीं रखूँगी, अगर फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाती है तो बिल्कुल दिल टूट सा जाता है। तो अभी मेकअप करूँगी। तो देखो विंटर्स आ गया ना, तो विंटर में स्किन बहुत खिंची खिंची सी लगती है, मे भी कैमरे में उतना ना समझ में आ रहा हो बट स्किन बहुत ज़्यादा हार्श लगती है। तो एक हमेशा मैं इसको ट्राई करती हूँ तो मे भी आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। जब हम बहुत ड्राई स्किन में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन कंसीलर ये सब यूज़ करते हैं ना, तो स्किन और भी ज़्यादा ड्राई होती है। एक सामान निकालने के लिए ना 10 चीज़ें निकालनी पड़ती है यार। तो ये कितनी सुंदर सी DIY ईयरिंग मैंने बनाई थी, मतलब सोचा था ब्लॉग फैशन पे अपलोड करूंगी, इसका पूरा प्रोसेस ही खट, लेकिन ये बहुत जुगाड़ लगा के मैंने बनाया था, अगर फाइल आएगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो BB क्रीम है, फाउंडेशन तो मैं बहुत बहुत रेयर लगाती हूँ, ना ही के बराबर। तो ये BB क्रीम ये भी ख़त्म ही हो गया यार।
थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइजर लेती हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब देखो बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड स्किन पे एक बहुत अच्छा ग्लो नजर आता है। तो इस ट्रिक को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो।